मैं ड्राइवर बोल रहा हूँ ना। आप सभी को मेरा नमस्कार और चुनावी सफरनामा को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अब हमारी जो टीम है वो जा रही है वैष्णो देवी धाम। कल रात हम पहुंच चुके थे कटरा और कटरा लगभग 12:30 बजे पहुंचे। उसके बाद होटल में नाइट स्टे और दिन भर की तमाम तैयारियाँ चली, मगर अब ठीक शाम को 6 बजे हम निकल रहे हैं अपनी पैदल यात्रा में माँ वैष्णो देवी। ये हमारा होटल और होटल के बाहर का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो बारिश अभी हो रही है और पूरा डार्क हो रखा है, बादल पूरी तरफ है और काफ़ी खूबसूरती है। अभी के आपके पूरे दर्शन कराएंगे, पार्ट वन में था आपको बताना और फिर देखते हैं क्या कुछ आगे घटता है। एक बार मेरे साथ आप सभी भी अपने घर से या जहां भी आप कहीं हैं जोर से बोलिए जय माता दी रॉक्स। तो यात्रा प्रारंभ होने वाली है और तासी भी काफ़ी एक्साइटेड है और तासी ने भी अपना कार्ड पहन लिया। इधर नमा, नमा कितने एक्साइटेड हो, कैसा लग रहा है? कैसे चलोगे, पैदल चलोगे आप 12 किलोमीटर? 30 किलोमीटर पैदल चलोगे और क्या क्या करोगे? जय माता दी, तो माता रानी की जय करते हुए आप लोग चलोगे। ओके चलिए, तो फिर यात्रा प्रारंभ हो रही है, आगे की बात करते हैं थोड़ी देर। हम लोग जा रहे हैं बाय साथियों। होटल राखी पैलेस से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं बाढ़ गंगा टिकट शॉप के पीछे, बाकी पूरी टीम है ताशी और अब ये सफर हमारा सीधे बाढ़ गंगा तक जाएगा, वहाँ से होगी पैदल यात्रा चालू। और मौसम की अगर बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया मौसम, बादल लग चुके हैं, शानदार तो मज़ा आ जाएगा। बता दी जेवन पूरी टीम बैठी है, यह है कटरा का मार्केट, बड़ी अच्छी मार्केट है, हर तरीके की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। ये आएगा चौक और ये जो सामने आप बिल्डिंग बिल्डिंग देख रहे हैं ठीक इसके बगल से ये जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म, अब जहाँ के आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। देख सकते हैं सिर्फ बड़ा विशाल ड्राई फ्रूट, शानदार ड्राई फ्रूट जाते हुए लेके चलते हैं। अब निकल रहे हैं हम बाढ़ गंगा की तरफ, 1 से 1.5 किलोमीटर है यहाँ पे, सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी पे यात्रा। बच्ची कितनी बड़ी लाइन है और बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर बच्ची की आती भी है, दिन में ऐसा नहीं था, आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया था। और चारों तरफ देख सकते हैं आप श्रद्धालु पूरे देश दुनिया से वैष्णो देवी पहुँच रहे हैं। ड्राई फ्रूट हेल्दी, स्टे हेल्दी, ड्राइवर भाई हमारे साथ। ये थोड़े दिन हमें बाढ़ गंगा था और बाढ़ गंगा से हमारा 14 किलोमीटर का पैदल मार्ग पूरे रात भर, जब माता का आशीर्वाद हो तो उससे बड़ी समस्या भी आसान हो जाती है। ये लंबी लाइन है पर्ची के जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए होती है और ये सीधे जा रही है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़म तक। और सुबह हम बहुत लक्की रहे कि बहुत आसानी से 15 मिनट में हमें वो रजिस्ट्रेशन मिल गया था। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी, सामने जो आप पहाड़ी में देख पा रहे हैं चालू आज माता रानी के दर्शन। चलो आगे भी आपको दर्शन कराएंगे बाढ़ गंगा से पहले। माँ वैष्णो देवी धाम के लिए एक लंबी कतार श्रद्धालुओं की और बड़ी देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचे हैं, मगर मौसम इतना अनुकूल है तो इसका प्रभाव यात्रा पे ज़्यादा पड़ेगा नहीं क्योंकि शानदार है। जैसा कल तक बताया जा रहा था बहुत गर्मी है, मगर आज मौसम बिल्कुल ही उसके उलट पुलट छाया हुआ है। पीछे हमारी टीम बैठी हुई है, ये छोटी हमारी भक्त है। एक बार जोर से बोल दो जय माता दी। शानदार आवाज में अभी थोड़ा दम है, इसके बाद देखते हैं कितनी आवाज इनकी रहती है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बाढ़ गंगा और बाढ़ गंगा में हम जाएंगे पहले आर्मी ऑफिस, वहां से लेंगे पास और पास के बाद होगी यात्रा प्रारंभ। यह है फ्रिस्किंग पॉइंट, यहां पे तमाम बैग वगैरह चेक किए जाते होंगे, क्या कुछ ऐसी चीज तो लेके आप नहीं जा रहे। और देख सकते हैं आप घोड़े भी यहाँ पर है, प्रैंक भी यहाँ पे है, तो जो व्यवस्थाएं हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से वो सारी चीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसकी कोई भी समस्या नहीं है। सामने आप देख सकते हो पर्वत, तो फिलहाल तो बड़ा मनमोहक होने वाली है ये यात्रा हमारी, हम सबकी। और बहुत ही दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं
सामने पहाड़ी वादियाँ अर्धकुमारी, ठीक ऊपर आप देख सकते हैं ये जूम करके जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लगभग आधा रास्ता यहाँ पर तय हो जाएगा। फिलहाल यात्रा चल रही है। फिलहाल अभी तो हम अपनी है टैक्सी में, प्रसाद केंद्र है, माता के चरणों का प्रसाद यहाँ पर मिलता है और प्रसाद जो भी लेना हो। घोड़े आप देख सकते हैं, घोड़े हो या खच्चर या हो प्रेम, जिसको जिस सुविधा से जाना है उस सुविधा आप ले सकते हैं। फिलहाल शानदार। और ये अब हमारा आर्मी कैंप कटरा, इसमें हम पहले जाएंगे और जाने के बाद वहां से लेंगे अपने पासेस, पास लेने के बाद होंगे दर्शन। तो मनमोहक बन रहा, बहुत ही शानदार मौसम आप देख सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं आर्मी टिकट काउंटर, जहां से हमको मिलेंगे पासेस। उस पासेस के बाद जाएंगे लगभग वीआईपी दर्शन आर्मी कैंप कटरा। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। इधर से पैदल ही जाना है। साथियों पास ले लिया है आर्मी कैंप से और यहां से होगी बाड़गरी यात्रा। ये देखिए आप लंबी कतार, और ये कतार ऐसे चल रही है। हमारी फैमिली भी इसमें आगे हो चुकी है, आगे देखते हैं होता है क्या। चलते चलते तो साथियों हम पहुंच चुके हैं बाढ़ गंगा, और बाढ़ गंगा के ठीक सामने फ्रिस्किंग पॉइंट है। लंबी कतार देख सकते हैं आगे। मनमीत हेलो, ये देखिए हमारा छोटा श्रद्धालु कितनी लंबी यात्रा कर पाता है आप देखेंगे। और इस फ्रिस्किंग पॉइंट के बाद चेकिंग के बाद यात्रा हो जाएगी प्रारंभ। तो आप सभी भी बोलो घर से जय माता दी। तो हमारी माता रानी तो बैठ चुकी है अपने प्रैंक में, और यात्रा अब चल चुकी है। एक पार्टी आगे है, और यही है आने और जाने का रास्ता आप देख सकते हैं। और काफ़ी लग रहा है यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, सब ने अपने अपने डंडे सब कुछ खरीद लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारी छोटी माता रानी को, ये आई है, बोलो जय माता दी। शानदार रहेगा सफ़र, अभी तो हुआ है शुरू। ये हैं घोड़े और खच्चर, जिनकी यात्राएं भी आप ले सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए हमारे छोटे माता जी, ये गिरा भी देंगे एक दो को। साथियों अर्धकुमारी तक का आधा सफ़र तय कर लिया है, लगभग 3-3.5 घंटे लगे हैं आधा। और यहां से अब हमें भवन की तरफ मार्च करेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है, और आप देख सकते हैं कितने देश दुनिया से चारों तरफ भरे पड़े हैं। जहां देखोगे आप जय माता दी, जय माता दी, ये भी ना बात जय माता दी, बहुत ही बढ़िया लगातार बोल रही हैं। और ये देख सकते हैं आप जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी कटरा। आओ किट्टू, साथियों लगभग रात का 1:15 बज चुका है। यात्रा काफ़ी सुगत रही, और कुल मिला के हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल दरबार के पास। आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग यहां पर आए हैं, और ये हमारा किट्टू सो रहा है और चुना सोए आराम से। और बस सामने ही है माता रानी का दरबार, दर्शन करेंगे। फिलहाल प्रशासन की बात करूं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, साइन बोर्ड हो, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, और यात्रा काफ़ी अभी तक अच्छी रही है। सांस फुल जरूर रही है, क्योंकि लगभग 7 घंटे लगातार चलना था। पीछे मेरी फैमिली आ रही है, साथ आ रहे हैं, वो भी बस पहुंचने वाले होंगे चंद मिनटों में। तो बहुत ही अच्छा रहा अभी तक का सफ़र, आगे दिखाएंगे क्या कुछ होता है। मिलते हैं दर्शन में। तो दर्शन करने के बाद अब वापसी कर रहे हैं, लगभग 1/2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम अपनी मंजिल पर, और कल फिर से वापसी की तैयारियां चलेंगी। फिलहाल तो बहुत अच्छा लगा सफ़र में,
आप देख सकते हैं चारों तरफ सरदालु ही सरदालु पहुँचे हुए हैं और श्री किट्टू जो है वो इस प्रेम में है, उसको ले जाने में थोड़ा सा सहूलियत रहती है, सो रही है इसलिए प्रेम में जा पा रही है। वो बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, चाहे घोड़े की बात करें, चाहे पालकी की या प्रेम, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक है। कोई भी चोर बाजारी का कोई इशू नहीं है। लंबा सफ़र था, कल शाम 6 बजे से चले थे और 11 बजे अब लगभग वापसी हो रही है। दूसरी बात, आपको पता ही है कि सिम जो है यहाँ पर सारे बंद हो जाते हैं, सारे नेटवर्क, तो एक लोकल सिम लेना पड़ता है। जब आपका लोकल सिम आपके पास होगा तो आसानी होगी यात्रा करने में, अपने साथियों को फ़ोन करने में। फ़िलहाल तो कुल मिला जय माता दी और आगे का क्या सफ़र होता है फिर आपसे चर्चा करेंगे। जय माता दी।